लास्ट क्वेश्चन है आपके पास पल्लू लम्स के इस असाइनमेंट का और क्वेश्चन नंबर 8 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगेगा आपको ऐसे मैं मानता हूँ। तो हमने जो सीखा कि क्वाड्रेटल की अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो और वो पैरेलल हो तो वो क्वाड्रेटल एक पैरेललोग्राम कहलाता है। अब हम आपको एक सिचुएशन देते हैं क्वाड्रेटल की ऊपर की और नीचे की साइड या फिर लेफ्ट की या राइट की साइड, मतलब कोई एक या तो ऊपर नीचे की ले लीजिए या लेफ्ट या राइट की ले लीजिए, इक्वल भी है पैरेलल भी है, बाकी दूसरा एक स्क्वायर में निकल प्रूफ करके दिखाओ कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन एक बार दोबारा समझ लो, क्वाड्रिलेटरल की ऊपर की साइड और नीचे की साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, खुद ट्राई करके देखो, वीडियो पॉज कर दो वरना मेरे से ट्राई करना। ठीक है, देखो देखो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आपको गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, आपको गिवन है ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी डी सी के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, आपको ये गिवन है। आपने टू शो करना है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये शो करना है। ठीक है, समझिएगा, छोटी सी कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन कर दीजिए एसी को और बीडी को, तो एसी और बीडी को ज्वाइन कर दिया, वो पॉइंट हमारे को पॉइंट ऑफ कंजंक्शन मिल गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा गिवन से करनी चाहिए। आप प्रूफ पर आ गए, आपको पता है कि आपका डीसी इक्वल है किसके, एबी के, गिवन है आपको, आपको पता है कि डीसी पैरेलल है एबी के, तो DC AB के इक्वल है और DC AB के पैरेलल है। अब अगर DC AB के पैरेलल है तो Z बनेगा, तो देखिए Z बना CDBA, और देखिए Z बना DCAB, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, रीजन लिखा आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अब दोस्तों डीसी एबी के पैरेलल है, डीसी एबी के इक्वल है, DC से ट्रायंगल DOC और AB से ट्रायंगल AOB बनता है, इस ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड, ऊपर वाले ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड इक्वल है, तो दो एंगल्स और बीच की साइड कॉन्गेंसी का नाम ASA। गुड, अब देखिए आपने लिखा बाय ASA कॉन्गेंसी ट्राइंगल AOB congruent to ट्राइंगल COD, ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल COD,
मैंने आपको बताया था जब भी कभी जेड आएगा तो अगर आप ए से स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको वहां से सी से स्टार्ट करना होगा, ठीक है ना। तो ए ओ बी सी ओ डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय ए से कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। अच्छा देखिए सुनिए, अब आपके पास फायदा यह होगा कि आपका ए बी सी डी के इक्वल था और आपका ए बी सी डी के पैरेलल था तो ये ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ सी के। आपने लिखा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। अगली चीज ओ डी इज इक्वल टू ओ बी बाय सी पी सी टी। तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, आपने ओ ए को ओ सी के और OB को OD के पर प्रूव कर दिया। इसका मतलब है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं एट O पर। दिस शोज डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। इसका मतलब है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब पैरेलल गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। डायगोनल्स बाइसेक्टिंग ईच अदर मतलब गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ट्राई कीजिए, टेस्ट जरूर आइएगा।